शिक्षार्थियों नमस्कार। NIUS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर श्वेता द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ्यक्रम कोड 509 के जिस प्रकरण पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वह है भूगोल शिक्षण के विविध उपागम और भूगोल के विषय क्षेत्र। इस क्रम में हम भूगोल शिक्षण के उपागम को देखेंगे, इन उपागमों में व्यवस्थित उपागम और प्रादेशिक उपागम की बात करेंगे। इसके पश्चात हम भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करेंगे और जो भूगोल के विषय क्षेत्र हैं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्राणी भूगोल, इनकी विभिन्न उपशाखाओं पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका संबंध अन्य विषयों के साथ स्पष्ट रूप से है। यह ऐसा विषय है जो मानविकी, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान तीनों में आता है। भूगोल अध्ययन अध्यापन के दौरान यह देखा जा सकता है कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो अन्य विषयों में भी आते हैं या अन्य विषयों में भी पढ़ाए जाते हैं। अगर इसको उदाहरण में हम देखें तो जो मनुष्य के उद्भव और उद्विकास का अध्ययन है जो हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं वह नृविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से पौधों का अध्ययन भूगोल और वनस्पति विज्ञान दोनों के अंतर्गत किया जाता है। हम कह सकते हैं कि भूगोल एक मिश्रित या एकीकृत विज्ञान है और ज्ञान का संश्लेषण है। तो जैसा अभी हमने बात की कि भूगोल के जो विषय वस्तु हैं, जो क्षेत्र हैं, वो विभिन्न अन्य विषयों से मिलते हैं, तो भूगोल जो है अपना विषय वस्तु विज्ञान विषयों जैसे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, नृविज्ञान, शैल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जल विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जैसे विषयों से लेता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन अंतर्विषयी और बहुविषयी है। प्रत्येक विषय का अध्ययन एक या अन्य उपागम के द्वारा किया जाता है, परंतु भूगोल के स्वरूप के आधार पर इसके दो उपागम हैं। तो उन उपागमों पर बात करते हैं। इसमें पहला उपागम है व्यवस्थित उपागम। तो व्यवस्थित उपागम में एक तथ्य का अध्ययन संपूर्ण रूप से किया जाता है। इसे सामयिक उपागम या दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हम किसी विशेष क्षेत्र का विस्तृत एवं समग्र तरीके से अध्ययन करते हैं। यदि उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को जलवायु का यदि अध्ययन करना है तो उससे संबंधित अवधारणाओं जैसे जलवायु के विभिन्न पहलू हो गए, जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक हो गए या जलवायु के तत्व हुए, जलवायु के प्रकार होते हैं उन प्रकारों का, और जो विश्व में जो दुनिया में जलवायु क्षेत्र हैं इस क्रम में उनका अध्ययन किया जाएगा। जो दूसरा उपागम है उसे प्रादेशिक या क्षेत्रीय उपागम कहते हैं। प्रादेशिक उपागम में दुनिया को या विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तरों पर विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया गया है और फिर उनमें से किसी एक विशेष क्षेत्र में सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो प्रदेश हैं वो प्राकृतिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं या नामी क्षेत्र हो सकते हैं। इस उपागम के अंतर्गत तथ्यों का जो अध्ययन है वह हम समग्र तरीके से करते हैं और तथ्यों से जुड़ी जो विविधताएं हैं उसमें एकता को खोजने का प्रयास करते हैं। हम इस चीज़ को एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि हमें किसी प्रदेश के प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करना है तो इसके लिए हम राज्य के सीमा और उसके विस्तार को, उसकी अवस्थिति, क्षेत्रफल, प्राकृतिक रचना और बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज संपत्ति, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके क्रियाकलाप और क्या वहाँ की भावी संभावनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन में, इस क्रम में हम जिस उपागम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्षेत्रीय उपागम या प्रादेशिक उपागम के रूप में जानते हैं। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, भूगोल के विषय क्षेत्र पर। तो जैसा हमने इससे पहले बात की कि भूगोल जो है अपना विषय क्षेत्र विभिन्न विषयों से लेता है, विभिन्न विषयों के विषय क्षेत्र से इसका विषय क्षेत्र संबंधित है, और हम यह देख सकते हैं कि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा विषय क्षेत्र है। भूगोल विषय का अध्ययन हम इसके जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके माध्यम से करते हैं।
ये शाखाएं जो हैं व्यवस्थित, क्षेत्रीय और वैज्ञानिक तीनों दृष्टिकोणों पर आधारित हैं और इन पर अभी हमने बात की है। वह शाखा जो प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है भूगोल की, उसे हम भौतिक भूगोल के रूप में जानते हैं, जबकि जो शाखा सामाजिक विज्ञान से संबंधित है उसे हम मानव भूगोल के रूप में जानते हैं। तो हम आइए भूगोल के विषय क्षेत्र पर बात करते हैं। तो तथ्यों की प्रकृति के अनुसार भूगोल के जो प्रमुख विषय क्षेत्र हैं वह हैं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्राणी भूगोल। जो भौतिक भूगोल हैं उसमें प्राकृतिक तथ्यों जैसे शैल हो, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, उच्चावच, संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु, वायुमंडलीय तथा सागरीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम अध्ययन क्षेत्र के आधार पर देखें तो भौतिक भूगोल की चार शाखाएं हैं। इसमें पहला है भू आकृति विज्ञान जो स्थल मंडल से संबंधित है, जलवायु विज्ञान जो वायुमंडल से संबंधित है, समुद्र विज्ञान जो जल मंडल से संबंधित है और जीव भूगोल जो कि जीव मंडल से संबंधित है। पर हम इसको और भी विस्तृत रूप में इसका अध्ययन अभी करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल है क्या। तो भौतिक भूगोल भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या एवं अध्ययन करता है। इसके साथ ही यह भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। भौतिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। तो इन शाखाओं में जो पहला है वह है खगोलीय भूगोल। खगोलीय भूगोल जो है वह पार्थिव घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसमें हम मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह को लेते हैं और इसके साथ साथ सूर्य, चंद्रमा और सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों को भी शामिल करते हैं। दूसरा है भू आकृति विज्ञान। यह पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम जल, वायु, हिमानी के अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों द्वारा जो स्थल रूपों की उत्पत्ति है और जो उनका विकास है, इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात आता है जलवायु विज्ञान। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि जलवायु विज्ञान में जो वायुमंडलीय दशाएं हैं और उनसे संबंधित जो जलवायविक और मौसमिक परिघटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय संगठन, जलवायविक प्रदेशों और मौसमों आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में जो शामिल किया जाता है उसमें समुद्र विज्ञान आता है और यह समुद्र विज्ञान महासागरीय तल की गहराइयों, धाराओं, प्रवाल भित्तियों और महाद्वीपीय विस्थापन आदि से संबंधित महासागरीय संघटकों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम मृदा भूगोल को भी लेते हैं। यह मृदा भूगोल जो है वो मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक संघटों, रंग और प्रकार, जो मृदा है उसकी संरचना, मृदा के वितरण और वहन क्षमता इत्यादि का अध्ययन करता है। इसी क्रम में हम भौतिक भूगोल में जैव भूगोल को भी शामिल करते हैं और यह स्थान की जैविक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। विशेष रूप से इसके अंतर्गत जो भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं हम उन्हें लेते हैं। वन्य जीवों का जो वितरण का अध्ययन है इसके अंतर्गत किया जाता है। जैव भूगोल को हम पादप या वनस्पति भूगोल, जंतु भूगोल और मानव पारिस्थितिकी के रूप में उपविभाजित कर सकते हैं। अगला जो है मुख्य वह है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतही और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह तीन संघटकों के निकटतम रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें जो पहला है वह मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण है। उसके अलावा मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के जो संबंध हैं उनका पारिस्थितिकी विश्लेषण तथा धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहले दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ने वाला प्रादेशिक संश्लेषण इसमें आता है। अगर हम मानव भूगोल की उपशाखाओं को देखें तो मानव भूगोल की उपशाखाएं इस प्रकार से हैं। इसमें पहला आता है मानव विज्ञान भूगोल। जो मानव विज्ञान भूगोल है यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। इसी में हम सांस्कृतिक भूगोल को भी लेते हैं और सांस्कृतिक भूगोल मानवीय संस्कृति की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। मानव भूगोल में
जो अगली उपशाखा है वह आर्थिक भूगोल है, और आर्थिक भूगोल स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति एवं वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन हम जिन बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं उनमें संसाधन भूगोल आते हैं, कृषि भूगोल आता है, औद्योगिक और परिवहन भूगोल आता है। अगला जो है वह है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव एवं रूपांतरण की व्याख्या करना है। इसी क्रम में हम ऐतिहासिक भूगोल को भी रखते हैं। ऐतिहासिक भूगोल जो है वो भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन करता है। अगला जो है वह है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत स्थानिक सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसमें निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन के जो क्या तरीके हैं, ये सभी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में हम अगला जो लेते हैं वह है जनसंख्या भूगोल। और जनसंख्या भूगोल जो है जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवास इत्यादि का अध्ययन करता है। हम मानव भूगोल के अंतर्गत अधिवास भूगोल को भी लेते हैं, और अधिवास भूगोल में हम ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, उनके वितरण, जो उनका प्रकार्य है, उनका अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित जो अन्य आधार हैं उनको भी अधिवास भूगोल के अध्ययन में शामिल किया जाता है। अगला जो है प्राणी भूगोल, यह एक भूगोल की मुख्य शाखा है। तो जो प्राणी भूगोल है यह भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच अंतःपृष्ठ में प्राणी भूगोल के विकास में स्थित है, और इनमें निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। इसमें जो पहला है वह है पादप भूगोल, और यह पादप भूगोल वनस्पतियों से संबंधित है। इसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों के स्थानिक प्रतिमान और उनके अधिवासों का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है वह है प्राणी भूगोल, जो कि जानवरों की भौगोलिक लक्षणों और स्थानिक प्रतिमानों तथा उनके अधिवासों का अध्ययन करता है। हम प्राणी भूगोल के अंतर्गत पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी तंत्र, अधिवासों, जातियों के लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पर्यावरण भूगोल भी सम्मिलित होता है, और यह जो पर्यावरण भूगोल है वह जो विभिन्न पर्यावरण मुद्दे हैं या पर्यावरण से जहाँ पर भी संबद्धता है उसका अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त भूगोल में क्षेत्र भूगोल को भी हम लेते हैं, और क्षेत्र भूगोल के अंतर्गत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वह इस प्रकार से हैं। पहला जो इसमें है क्षेत्रीय अध्ययन हम करते हैं या क्षेत्र अध्ययन करते हैं, और इसमें हम मैक्रो, मेसो या माइक्रो क्षेत्रीय अध्ययनों का सम्मिश्रण करते हैं। इनमें इन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्षेत्रीय योजना शामिल की जाती है, जो देश, ग्राम या शहर के योजनाओं का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र भूगोल में क्षेत्रीय विकास का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विश्लेषण भी किया जाता है। ये जो सारी प्रमुख शाखाएं हैं इनके अलावा भूगोल के दो अन्य पहलू हैं, और इन दो पहलुओं का अध्ययन मात्र भूगोल विषय में ही नहीं बल्कि जो हमारे प्रत्येक अनुशासन हैं उन सभी अनुशासनों में किया जाता है। तो इनमें से जो पहला है वह है दर्शन। हर विषय का एक अपना दर्शन होता है, उसी तरह से भूगोल का भी एक अपना दर्शन है। इस दर्शन के अंतर्गत हम भौगोलिक विचारों का अध्ययन करते हैं, और भौगोलिक विचारों के साथ हम भूमि और मानव संपर्क या मानव पारिस्थितिकी से जो संबंधित चीज़ें हैं उनका भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसमें जो दूसरा पहलू है, जो दूसरी हम कह सकते हैं कि शाखा है, वह है विधियाँ और तकनीकें। और अन्य विषयों के भांति भूगोल के भी अपनी कुछ विधियाँ हैं, कुछ तकनीकें हैं जो हम भूगोल में उपयोग करते हैं। और इसमें जो है कार्टोग्राफी, भूगोल जो है उसकी कल्पना कार्टोग्राफी के बिना नहीं की जा सकती है, और आज के जो टेक्नोलॉजी का जो युग है उसमें कंप्यूटर कार्टोग्राफी, तो हम विधियाँ और तकनीकों में कार्टोग्राफी और कंप्यूटर कार्टोग्राफी का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारी मात्रात्मक तकनीक है भूगोल की, या जो हम सांख्यिकी तरीकों का उपयोग करते हैं भूगोल में, उनका अध्ययन करते हैं।
साथ ही भूगोल सर्वेक्षण के बिना नहीं हो सकता है। भूगोल में हम फील्ड में जब तक सर्वे के लिए नहीं जाएंगे वो नहीं हो सकता है। तो हम फील्ड सर्वेक्षण के तरीकों के बारे में अध्ययन करते हैं, और साथ ही आज के इस जो है तकनीकी के युग में भू सूचना विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है, और इसके अंतर्गत हम रिमोट सेंसिंग हो गया, GIS हो गया या GPS हो गया, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने भूगोल के जो अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं और भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की। भूगोल के जो उपागम है उसमें हमने व्यवस्थित उपागम की बात की और प्रादेशिक उपागम की बात की। साथ ही भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से भौतिक, मानव और प्राणी भूगोल का अध्ययन किया जाता है। हमने उन तीनों के बारे में आज यहाँ पर चर्चा की। भौतिक भूगोल की जो विभिन्न उपशाखाएँ हैं उनके बारे में बात की, जो मानव भूगोल है उनकी जो उपशाखाएँ हैं उनके विषय में बात की, और प्राणी भूगोल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने बात की। हमने यह देखा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो प्राकृतिक तत्व हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, शैल, उच्चावच, पृथ्वी का संरचना, पृथ्वी की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं हमारी, साथ ही हमारा जो जीव जंतु जगत है, इसके अतिरिक्त हम भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल को और जलमंडल को भी शामिल करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर अगर हम मानव भूगोल को देखें तो उसके अंतर्गत पृथ्वी की सतहों और मानव समुदाय के बीच जो संबंध है उन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन हम करते हैं। और जो प्राणी भूगोल है, प्राणी भूगोल का विकास जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है उसके बीच में अंतःपृष्ट हुआ है, तो इसके विषय में भी हमने बात की। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। पुनः हम एक और चर्चा में मिलेंगे। धन्यवाद।